ओके तो स्प्रिंग स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग तो सबने देखा होगा, स्प्रिंग का शेप कुछ ऐसा होता है ना। तो अगर मैं एक स्प्रिंग बना देता हूँ, दिस इज स्प्रिंग, अभी ऐसा फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ना, फिर अभी असाइनमेंट दो ही लोगों ने किया असाइनमेंट, तो करते रहो, अभी दो ही टर्न अप हुआ है और मैं टॉपिक ही पढ़ाता हूँ, फिर कल असाइनमेंट डिस्कस करूँ ना। तो सपोज करो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे अगर तुम एक साइड से ऐसे फोर्स लगाते हो, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा दिया, प्रैक्टिकल थिंकिंग थोड़ी सी डेवलप करो, अगर एक साइड से फोर्स लगाते हो तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। ऐसे कोई स्प्रिंग ले लो, प्रैक्टिकली स्प्रिंग ले लो और एक साइड से ऐसे फोर्स लगाओ, तो ये स्प्रिंग एक्सेलरेट करेगी और कुछ नहीं होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। और नॉर्मली जो स्प्रिंग लेते हैं वो मासलेस होती है, ठीक है, हम इसका मास कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम जिस स्प्रिंग को डिस्कस कर रहे हैं वो मासलेस है, इसका जो मास है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ तो मास होगा प्रैक्टिकली। तो सर अगर हम एक साइड से फोर्स लगा रहे हो और बहुत ही जोर से, अगर एक ही साइड से फोर्स अचानक से लगा रहे तो शायद कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करके देख लेना घर पे, प्रैक्टिकल थिंकिंग, कुछ भी कितना ही फोर्स लगाओ तो कुछ नहीं होगा, एक साइड से फोर्स लगाओगे कुछ भी नहीं होगा, स्प्रिंग ले लो करके देखो, इसमें कोई ऐसी थोड़ी ना, ऐसी चीज थोड़ी ना जो तुम देख नहीं सकते हो, कितना ही फोर्स लगाओ स्प्रिंग पे, इधर से एक साइड से अगर फोर्स लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कितना भी फोर्स लगा दो ये काम ही नहीं करेगी। स्प्रिंग बेसिकली क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा, मतलब स्प्रिंग ना तो कंप्रेस होगी ना एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो स्प्रिंग पे अगर ऐसे फोर्स लगाओगे, एक ही साइड से फोर्स लगाओगे, तो स्प्रिंग काम ही नहीं करने वाली, हो सकता है कि पूरी स्प्रिंग जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाए, और इसका तुम एक्सेलरेशन वैक्सेलेशन फाइंड कर लो, अगर स्मूथ सरफेस है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो यू कैन फाइंड दैट, मगर स्प्रिंग काम करना शुरू नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली, लॉजिकली तो नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लो। इसलिए मैंने कहा था कि पेन, कोई फाउंटेन पेन हो या नहीं, फाउंटेन पेन नहीं, बॉल पेन, बॉल पेन की छोटी सी स्प्रिंग होती है, उसको एक साइड से फोर्स लगा के देखना, कुछ भी नहीं होगा, छोटा सा फोर्स लगा के देखना, तो उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड। तो अगर तुम्हें स्प्रिंग को यूज करना है तो क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो कि फोर्स दोनों साइड से लगा दो, इस साइड से भी इतना ही फोर्स लगा सकते हो, ज्यादा भी लगा सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक पर्टिकुलर केस में इस साइड से भी उतना ही फोर्स लगा सकते हो, ठीक है, मतलब कोई दूसरा आदमी इसको इधर से पकड़ ले, अब ये स्प्रिंग एक्सटेंड करेगी, ठीक है, अब ये स्प्रिंग क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, अगर एक साइड से कोई इसको पकड़े और एक साइड से इधर खींचे, तब ये तो रेस्ट पे हो जाएगी, नेट फोर्स तो इस पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये स्प्रिंग एक्सटेंड करेगी, इसका एक्सटेंशन होगा, अगर स्प्रिंग को दबा भी सकते हो, कंप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, ये सिचुएशन एक और सिचुएशन की इक्विवेलेंट है, अगर कोई दूसरा आदमी ना खींचे, स्प्रिंग को हम एक वॉल से अटैच कर दें, तब भी वही बात होगी, अब ध्यान से देखना, अगर तुम स्प्रिंग को एक वॉल से अटैच कर दें, इफ यू अटैच ए स्प्रिंग विद अ वॉल, जस्ट अटैच द स्प्रिंग विद द वॉल, ये स्प्रिंग मैंने बना ली, और इधर किसी वॉल से उसको अटैच कर दिया, लेट मी मेक अ वॉल, ठीक है, ये वॉल से अटैच कर दिया। बस इस चैप्टर में स्प्रिंग के बेसिक समझ लो, और बेसिक्स प्रैक्टिकल से आते हैं, बेसिक ऑब्वियसली प्रैक्टिकल से आएंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिकल थिंकिंग होगी तभी तुम जो है आगे क्वेश्चंस कर पाओगे, थिंक 100% प्रैक्टिकली। तो अब ये दीवार इसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगी, दीवार स्प्रिंग, अब कोई आदमी नहीं है मगर दीवार
उतने ही फोर्स से पुल करेगी एफ फोर्स से। अगर ये स्प्रिंग एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो दीवार का फोर्स इसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो अभी जगह बताने के लिए एम को अप्रोक्सीमेटली जीरो को हटा देता हूँ। तो कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो किसी आदमी ने स्प्रिंग को खींचा है, इधर हमने स्प्रिंग को दीवार से अटैच कर दिया है, या किसी और को बोलो कोई वो स्प्रिंग को पकड़ ले, इन बोथ केसेस स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, दोनों ही केसेस में स्प्रिंग एक्सटेंड होगी। तो स्प्रिंग एक्सटेंड, तो आई होप कि मैं दिखाने में सफल रहूंगा। स्प्रिंग कुछ ऐसे एक्सटेंड होगी, हाँ लाइव दिख रहा, मजा आ रही, ये फोर्स लगाया तो स्प्रिंग ऐसे एक्सटेंड होगी। लेट मी मेक अ लाइन, ठीक है, ये इस तरह से काफी अच्छा प्रेजेंटेशन बन रहा है। एक स्प्रिंग की एक लेंथ होती है जिसमें, और स्प्रिंग मैं बताऊं एसएचएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बहुत बेसिक से और बहुत प्रैक्टिकल से तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। कॉपी उतना हेल्प ना करता क्योंकि मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो एक रियल फीलिंग आ सकती है। फिलहाल पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए, स्प्रिंग की ये जो लेंथ होती है इसको, जहाँ पर वो एक्सटेंड भी नहीं होती है, कंप्रेस भी नहीं होती है, उसको नेचुरल लेंथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, GTH, नेचुरल लेंथ। इसमें ना तो इसका कंप्रेशन होगा, नीदर कंप्रेस नॉर एक्सटेंड। तो इसमें नीदर कंप्रेस, यू कैन एक्सप्लेन इट, दिस विल बी नो कंप्रेशन, शॉर्ट वर्ड यूज करता हूं, नो कंप्रेशन और एक्सटेंशन, कोई कंप्रेशन और एक्सटेंशन नहीं होगा, कोई कंप्रेशन और एक्सटेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ में ना कोई कंप्रेशन होगा ना कोई एक्सटेंडेड एक्सटेंशन होगा, उस केस में स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी, ऑब्वियसली स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। इस केस में क्या होगा, अब अगर तुम फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे स्प्रिंग रुकेगी नहीं, अब स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब जैसे अगर तुम फोर्स नहीं लगाओगे तब ही ऐसा होगा कि नेचुरल लेंथ में रहे, है ना। अगर फोर्स, अगर तुमने पीछे से इसको टाइट नहीं किया या किसी वॉल से अटैच नहीं किया तब तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही रहेगी, वो तो आगे बढ़ती जाएगी पूरी की पूरी स्प्रिंग, है ना। तो अगर तुमने ये सब फोर्स वोर्स नहीं लगाए, जैसे अगर ये फोर्स नहीं लगाया और ये भी फोर्स, मतलब सिर्फ एक साइड से फोर्स लगाया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉजिकल कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकिंग नए सिस्टम के हिसाब से आनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में ये तो पूरी की पूरी पूरा ऐसे आ रहा है, आई विल रब इट, है ना, नेचुरल लेंथ एक्सटेंशन, ये लिखा हुआ, मैं इसको बता देता हूँ कि पूरा सेलेक्ट हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, आई थिंक तुम समझ गए होगे। अगर मैंने एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाया, ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बढ़ जाएगी, है ना, उस फोर्स का एक्सेलरेट करेगी, तो उसका कुछ नहीं होगा। तो ना तो वो एक्सटेंड अपनी नेचुरल लेंथ में, इस तरह से स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में ही रहेगी, ना एक्सटेंड करेगी ना कंप्रेस करेगी। मगर इसको हमने दीवार से अटैच कर दिया तो ऑब्वियसली उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा, जितना फोर्स आगे की तरफ लगाओगे उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन से लगना शुरू हो जाएगा। तो तब एकदम जब, अगर तुमने एक साइड से अटैच कर दिया तब ये स्प्रिंग जो है, और फोर्स लगाया तुमने, और तब ये स्प्रिंग एक्सटेंड करना शुरू हो, ये स्प्रिंग एक्सटेंड करना शुरू। तो यहां पर थी, तुमने फोर्स लगाया, वो मैंने छुपा लिया, मगर यहां पर थी और एक्सटेंड करना शुरू। तो ध्यान से देखो, सपोज करो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मैं यहां पर एक डॉटेड लाइन बना दे रहा हूं, मेक अ डॉटेड लाइन, थिन डॉटेड लाइन, यहां तक इसकी नेचुरल लेंथ है, और मैंने यहां तक, ठीक है, पूरा इसको अलग अलग, मुझे इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा, चलो, है ना, ये एक्सटेंड हो रही है, तो बाद
हाथ में डाल दूँगा तो फीलिंग आनी चाहिए, ये एक्सटेंड हो गई है ऐसे, तो एक्सटेंशन हो गया। तो आप ध्यान से देखना कि अब मैं यहाँ पर, पहले स्प्रिंग कहीं यहाँ पर थी, पहले स्प्रिंग यहाँ पे थी और एक्सटेंड होके यहाँ पर हो गई है। तो सपोज करो इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन एक्स हो गया, स्प्रिंग का एक्सटेंशन एक्स हो गया और ये जो फोर्स लग रहा है ये स्प्रिंग के ऊपर लग रहा है, बहुत ध्यान देना, स्प्रिंग के ऊपर लग रहा है। सर आपने पर्टिकुलर लेंथ उतनी क्यों ली? स्प्रिंग की जो, हाँ स्प्रिंग की जो इनिशियल लेंथ होती है वो उसकी एल लेंथ होती है ना, स्प्रिंग की ये वाली जो लेंथ होगी दैट इज इसकी नेचुरल लेंथ होगी। सर तो इंक्रीज तो पूरी लेंथ भी होगा ना, तो आपने आगे से क्यों लिया? हाँ इस, तो यहाँ से इसकी ये नेचुरल लेंथ थी ना पहले, ये स्प्रिंग यहाँ पर थी, इसकी टोटल करी हुई है क्या? हाँ अभी एक्सटेंडेड ही है ना? हाँ एक्सटेंडेड है भाई, साफ साफ दिख रहा है, ये पहले पुरानी वाली जो हरी लाइन है वो इसकी नेचुरल लेंथ है ना, जब ये ना तो एक्सटेंड होगी ना कंप्रेस होगी, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है, तो ये पुरानी वाली लेंथ है। जब मैंने इसको फोर्स लगा के खींच लिया, अब इधर इधर के साइड से अटैच है तो इधर नहीं एक्सटेंड होगी, इधर की तरफ है, अगर दोनों साइड से फोर्स लगाओगे तो हो सकता है दोनों साइड वो एक्सटेंड हो, बट यहाँ पर एक्स इसका टोटल एक्सटेंशन है, मतलब टोटल एक्सटेंशन है क्योंकि इधर मैंने दीवार से फिक्स कर दिया तो थोड़ा इसी साइड एक्सटेंड होगा, तो एक्स इसका एक्सटेंशन है और एक्स एल के रिस्पेक्ट में कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो एल इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ समझ गए होगे, नीदर एक्सटेंडेड नॉर कंप्रेस्ड, ठीक है, नीदर एक्सटेंडेड नॉर कंप्रेस्ड, इज इट क्लियर? तो हो गया, तो x को कहेंगे टोटल एक्सटेंशन, ये इसकी टोटल एक्सटेंशन है, टोटल एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ है ना, टोटल पूरी स्प्रिंग में जो चेंज इन लेंथ है। तो अगर दोनों साइड से फोर्स लगाओगे तो हो सकता है इधर भी एक्सटेंड करे इधर भी, वो भी केस दिखा दूंगा, तो दिस इज टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है SHM के लिए। टोटल चेंज इन लेंथ बेसिक्स बना रहा हूं। नाउ अगर मैं सपोज करो ये तो दीवार से मैंने फिक्स कर दिया टोटल चेंज इन लेंथ से कर दिया, चलो मैं दूसरी बना लेता हूं। अगर सपोज करो पीछे की तरफ किसी ने फोर्स लगाया, बेसिक्स बहुत जरूरी है, थोड़ा सा रफ चलो, ये तो पुरानी यहां तक है, एकदम सेम स्प्रिंग लेते हैं, टेक द सेम स्प्रिंग और ये इतनी ही नेचुरल लेंथ थी, एल सेम नेचुरल लेंथ बराबर ले लिए है ना, यहां पे लाइन थी। अगर मैंने फोर्स अभी लगा दिया, अभी इस पे फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों साइड एक्सटेंड कर जाए ना, इतनी नेचुरल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये नेचुरल लेंथ है ना, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, तो ये दोनों साइड टोटल एक्सटेंड कर दे इसको, मैं ट्राइंग माय बेस्ट टू विजुलाइज द कंसेप्ट, वैसे तो ये प्रैक्टिकल है। अगर मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर एक साइड से फोर्स लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों साइड से लगाना पड़ेगा, अनइक्वल भी लगा सकते हैं बट फिलहाल हम इक्वल लगा रहे हैं। अगर हमने ऐसे किया तब ये हो सकता है दोनों साइड से एक्सटेंड हो, है ना, दोनों साइड से एक्सटेंड हो। उससे पहले मैं लिख देता हूं, इसकी ये नेचुरल लेंथ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मतलब जहां पे इसका कोई भी कंप्रेशन और एक्सटेंशन नहीं है वो इसकी नेचुरल लेंथ है, दिस इज नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब इसमें नेचुरल लेंथ से ऊपर इसका एक्सटेंशन हो रहा है, अब सही बना, तो ये ऐसे लिया, हो सकता है ये भी खींचे, यहाँ पे बहुत सही हो रहा है, एल सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो दिस इज लकीली बहुत अच्छा बना है। तो ये मे बी यहाँ पे इक्वल फोर्स है, तो यहां से देखो इधर से एक्सटेंशन एक्स, लेट मी चूज अनदर कलर ज्यादा क्लियर होगा,
यहां पर ये एक्सटेंशन x1 है और ये एक्सटेंशन इधर से x2 है। अब यहां पर x1 प्लस x2 की वैल्यू x है, अगर दोनों साइड, अगर दोनों साइड ये खींच रही है तो x1 प्लस x2 की वैल्यू x लेनी है, ठीक है, तो ये x है, तो कैसे भी है, मगर इस तरफ से तो x तो एक ही साइड पूरी खींच रही है तो वो x1 प्लस x2 के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो प्रैक्टिकल, जिसको हुक्स लॉ कहते हैं, और इसको प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो, इसका एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन भी करते हैं, कि इसमें जो फोर्स होता है, स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है, स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है ना, ये तो आदमी लगा रहा है, और ऑब्वियसली जितना आदमी फोर्स लगाएगा उतना ही स्प्रिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तुम्हें यहां पर फोर्स मतलब शुरू में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तुम इसको प्रैक्टिकली अगर फील करोगे तो शुरू में स्प्रिंग को खींचने के लिए कम, कोई अगर स्ट्रांग स्प्रिंग हो तो लेना, है ना, कभी कोई वर्कआउट करने वाली स्प्रिंग, बड़ी सी स्प्रिंग, रबर से भी कर सकते हो, मगर रबर एकदम एग्जैक्टली रूल्स फॉलो नहीं करती है, रबर से फील कर सकते हो किसी, और किसी स्प्रिंग अगर मिल जाए बड़ी सी तो पहले शुरू में उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर जितना खींचते जाओगे उतना तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब ये फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, इनिशियली कम फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर बाद में खींचते जाओगे तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, तो ये एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही स्प्रिंग लगाएगी, एक्चुअली में तुम्हें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना स्प्रिंग तुम्हारे हाथ पे लगाएगी। तुम स्प्रिंग को खींच रहे हो, हाथ मैंने नहीं दिखाया है, हाथ यहां पर नहीं दिखाया है, स्प्रिंग तुम्हारे हाथ को पुल करेगी, स्प्रिंग को ग्री, स्प्रिंग वो हाथ नहीं दिखाया है, है ना, वो हाथ मैंने नहीं दिखाया है। ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स न्यूटन के तीसरे नियम से बराबर होंगे, स्प्रिंग तुम्हारे हाथ को पुल कर रही है, इधर भी हाथ अगर होगा तो स्प्रिंग तुम्हारे हाथ को पुल करेगी, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, यहां भी स्प्रिंग हाथ को पुल करेगी, हाथ दिखाया नहीं है तो हाथ बनाना पड़ेगा, यहां पे स्प्रिंग दीवार को पुल करेगी, स्प्रिंग दीवार को ऐसे पुल करेगी, ये दीवार है, दीवार को ऐसे पुल करेगी, फोर्स लगाएगी, और दीवार फिर ऑब्वियसली अगर स्प्रिंग दीवार को पुल कर रही है तो दीवार स्प्रिंग को उतनी ही फोर्स से पुल करेगी, तो दीवार स्प्रिंग को उतनी ही फोर्स से पुल करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें खास क्या है, जिस जो स्प्रिंग को बहुत 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 खास बताता है, कि स्प्रिंग का जो फोर्स लगेगा, है ना, ऑब्वियसली येलो वाला एफ भी उसी के बराबर होगा, दोनों की चीज वैल्यू बराबर होगी, मगर पहले मैं स्प्रिंग के लिए दे रहा हूं, कि स्प्रिंग का जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, मगर ये इसकी एक लिमिट है फॉर स्मॉल एक्सटेंशन, जब x की वैल्यू l के कंपैरिजन में बहुत छोटी, तब हम हमेशा नहीं, तो फिलहाल हम यही आइडियल केस डिस्कस करेंगे जब हम उसको बहुत थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मगर कम एक्सटेंड करोगे यानी x को l के कंपैरिजन में बहुत कम एक्सटेंड करोगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू x। यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और कॉन्स्टेंट लाते हैं, f इज k कांस्टेंट है, x, k को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, आई थिंक बेसिक कोई वैल्यू, ये अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है, स्प्रिंग के लिए दिया होगा और इसको एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, मगर किसी पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए फिक्स रहती है, म्यू की तरह है ना, म्यू की तरह अलग अलग वैल्यूज, म्यू की तरह, हाँ, जैसे म्यू की वैल्यू दो सर्फेसिस पे डिपेंड करती है ना, मतलब कुछ चीजें हैं जो नेचुरल चीजों पे डिपेंड करती है, के नेचुरल चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है, जैसे सपोज करो, और के की वैल्यू तुम एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है जो एक्सपेरिमेंट भी है, स्प्रिंग लटका के, वेट लटका के की वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से के की वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू फिक्स आती है, तो के बेसिकली एफ और एक्स का रेशियो होता है, और एफ और एक्स का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, और वो पर्टिकुलर स्प्रिंग किस पे लोगे, जैसे अगर कोई तगड़ी स्प्रिंग है ना, जैसे शॉक, कार में जो शॉकर्स लगे नहीं होते उसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी, और जो पेन की पतली स्प्रिंग है उसके लिए के की वैल्यू कम होगी, है ना, तो के की वैल्यू एक तो स्प्रिंग की, स्प्रिंग पे भी डिपेंड करती है, और के की वैल्यू उसकी स्प्रिंग की लेंथ पे भी डिपेंड करती है, है ना, के की वैल्यू लेंथ पे भी डिपेंड करती है, मगर इस वाली लेंथ पे नहीं, नेचुरल लेंथ पे, जैसे अगर तुम क्या कहते हैं लंबी स्प्रिंग ले लोगे, है ना,
लंबी स्प्रिंग ले लोगे तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये फील कर सकते हो। अगर सपोज करो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो स्प्रिंग के साइज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो यहाँ पे कहीं पे ले सकते हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट जो नेचुरल लेंथ के लिए है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और एल का जो प्रोडक्ट है, इसको मैं पिंक कलर से लिखता हूँ, ये हमेशा याद रखोगे, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और एल का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट होता है। एल यहाँ पर नेचुरल लेंथ है ना, एक्स नहीं है यहाँ पे, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और एल का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहता है, इसको याद रखोगे, ये भी एक्सपेरिमेंटल लॉ है। और यहाँ पर एक्स अलग है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, और ये जो है वो क्या है, ग्रीन वाला स्प्रिंग का फोर्स है, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखोगे तो दोनों एफ की वैल्यू सेम होती है, येलो वाला भी सेम होगा, मगर डायरेक्शन वाइज अलग होंगी। याद रखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, और क्योंकि ये वन डायमेंशन में है तो कभी कभी तुम वेक्टर का निशान नहीं लगाते हो, वेक्टर का निशान छुपा हुआ होता है, ठीक है, तो उस समय बहुत ध्यान रखना। अगर किसी ने लिख दिया है स्प्रिंग का फोर्स हमेशा एक्स के अपोजिट लगेगा, तो ध्यान रखना मैं कलर का यूज कर रहा हूं। अगर किसी ने लिख दिया है एफ इज इक्वल टू है माइनस के एक्स, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पे वेक्टर का निशान उसने नहीं लगाया वन डायमेंशन होने की वजह से, क्योंकि देखो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो एक्स के अपोजिट होगा, एक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, स्प्रिंग का फोर्स एफ के अपोजिट होगा, तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में। तो याद रखो यहां पर या तो वेक्टर फॉर्म लगाओ या फिर ये समझना माइनस साइन आते ही वो वेक्टर फॉर्म आ गया, तो सही से लिखना है तो ऐसे लिखना होगा। यहां पर सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं मगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। एक मिनट रुक जाओ, तो पूरा कर लो इसको फिर पूछना। और जो ये जो हम जो फोर्स लगाएंगे उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्लस के एक्स, यानी स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो एक्सटेंशन के अपोजिट होता है और हम जो फोर्स लगाते हैं वो एक्स के डायरेक्शन में होता है। एक्स क्या है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, एक्स स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, ठीक है। मैं यहीं पे वीडियो रोक देता हूँ, इसके बाद मैं नया टॉपिक मतलब एक नया एग्जांपल शुरू करूंगा, अदरवाइज अब तुम डाउट पूछ सकते हो।